और मैं मोदी को बता देना चाहता हूं कि अगर आपने 20 साल के जंग की तहीद किए है तो हम मुसलमान हैं, हमने 100 साल की जंग की तहीद की है और अभी तक तो हम अमेरिका के साथ जो जंग था ना वो तो हमारा तरबियत था उसके साथ। अगर आप एक मुजाहिद को शहीद करोगे तो हमारे माओ ने ऐसे बच्चे जन्म दिए हैं कि एक मुजाहिद के बदले 100 मुजाहिद खड़े होंगे इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं कई दिनों से सुन रहा हूं कि इंडिया पाकिस्तान को जंग की धमकी दे रहा है। मैं इंडिया के मुर्तद और हिंदू हुकूमत को बता देना चाहता हूं कि हम पाकिस्तानी आर्मी और आवाम के साथ छाना बचाना करे हैं। तुम हमारा न कुछ बिगाड़ सकते हो, हम बहुत जल्द पारे होने वाला है इंशाल्लाह। जिस तरह हमने अमरीका को रुलाया इस तरह तुम्हारा भी यही हाल होगा। और जो धमकियां तुम देते हो, हमने जो धमकियां तुम देते हो ये आपसे पहले कई ममालिक ने हम लोगों को दी है और फिर उनका हजर पूरी दुनिया ने देखा है। और हमारे ताकत का अमेरिका से पूछ सकते हो कि हमने उसको आने पर मजबूर कर दिया है। तो ऐसा न हो कि कल को धमकी देते रहे हो और हमारे झंडे दिल्ली और मुंबई में लगी हुई हो। कश्मीर तो ऐसा भी हमारा है और ये हमारे मुल्क का हिस्सा है। कश्मीर तो छोटा सा टुकड़ा है, हमने अफगानिस्तान को पठा दिया। और मैं मोदी को बता देना चाहता हूं कि अगर आपने 20 साल के जंग की तहीद किए है तो हम मुसलमान हैं, हमने 100 साल की जंग की तहीद की है और अभी तक तो हम अमेरिका के साथ जो जंग था ना वो तो हमारा तरबियत था उसके साथ। अगर आप एक मुजाहिद को शहीद करोगे तो हमारे माओ ने ऐसे बच्चे जन्म दिए हैं कि एक मुजाहिद के बदले 100 मुजाहिद खड़े होंगे इंशाल्लाह। और आपके 500 पूजी मुर्तद गाय के पुजारी और हमारा एक मुजाहिद बराबर है।